वेलकम टू द्विवेदी एकेडमी। आप सभी लोगों का द्विवेदी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि दरअसल इसे पढ़ने से पहले आप लोगों के पास में पेन और कॉपी का होना जरूरी है। थोड़ा बहुत अगर आप नोट भी करते जाएंगे तो आपको ये चीज़ें याद होती रहेंगी। और ध्यान रखना कि अगर वीडियो आपने पूरी देखी है तभी आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो पाएगा, और साथ ही में इस वीडियो को बार बार देखते रहेंगे तो आपका रिविजन भी होता रहेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ बात करता हूँ ऑस्मोसिस प्रोसेस की। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। ऑस्मोसिस प्रोसेस है क्या? तो दरअसल ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें तो ऑस्मोसिस इज अ मूवमेंट ऑफ द वाटर। ऑस्मोसिस क्या होता है? दरअसल मूवमेंट होता है किसका? पानी का, फ्रॉम रीजन ऑफ द हाई वाटर कंफर्टेशन थ्रू आर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे मैंने फिगर बना रखा है। तो यहाँ पर मान लो कि कोई फैल है, इसके चारों तरफ यहाँ पर सेमी परमिएबल यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है। तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ही बाहर का पानी अंदर आना, अंदर का पानी बाहर जाना, तो ये आपकी प्रोसेस कहलाती है क्या? ऑस्मोसिस कहलाती है। तो यहाँ कह रहा है रीजन ऑफ द हाई वाटर कंफर्टेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू द रीजन ऑफ द लो वाटर कंफर्टेशन। तो पानी का जो मूवमेंट होता है कहाँ से? हाई वाटर कंफर्टेशन से टू अ लो वाटर कंफर्टेशन थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर से जब ये प्रोसेस होती है, जब पानी जो है ज़्यादा कंफर्टेशन से लोअर कंफर्टेशन की तरफ जाता है, तो ये प्रोसेस कहलाती है आपकी क्या? ऑस्मोसिस कहलाती है। अब आते हैं टाइप ऑफ द सॉल्यूशन एंड ऑस्मोसिस। मतलब टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं एंड ऑस्मोसिस के बारे में आपको जैसे मैंने बता दिया, तो फिलहाल इसको हटा देते हैं और यहाँ लिखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच हैज द मोर कंफर्टेशन इज कॉल्ड द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा कंफर्टेशन होता है, जैसे मान लिया कि आपने पानी में चीनी को बहुत ज़्यादा घोल दिया, तो अब इस तरह का जो सॉल्यूशन है आपका कहलाएगा हायर कंफर्टेशन सॉल्यूशन कहलाएगा। तो और दूसरा उसका नाम क्या हो सकता है? दूसरा नाम हम उसको दे देते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो एक तो नाम हमने इसको ये दिया, क्या दिया? कंफर्टेटेड सॉल्यूशन नाम दिया। अब दूसरा नाम दे दिया हमने क्या? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगला आता है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच हैज द लेस कंफर्टेशन इज कॉल्ड द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिसमें लेस कंफर्टेशन होता है वो आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? मान लो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपने बहुत ही कम चीनी घोली हुई है, ज्यादा पानी की मात्रा है, तो इस तरह का सॉल्यूशन आपका जो कहलाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन द टू सॉल्यूशन हैव द सिमिलर कंफर्टेशन। मान लो दो सॉल्यूशन उनका सिमिलर एक जैसा ही कंफर्टेशन है, तो दे आर कॉल्ड द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो वो इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, फिर से सुन लो। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होता है, हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक और एक होता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक होता है हायर कंफर्टेशन वाला, हाइपरटोनिक होता है आपका लोअर कंफर्टेशन वाला। दरअसल क्या होता है, इसका होता है कम कंफर्टेशन होता है और इसका क्या होता है? ज़्यादा। तो ये दो तरह के सॉल्यूशन आपके पास हो गए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। व्हेन द टू सॉल्यूशन हैव द सिमिलर, व्हेन टू सॉल्यूशन हैव द सिमिलर कंफर्टेशन, दे आर कॉल्ड द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मान लो दो सॉल्यूशन आपने अलग अलग बीकर में ले रखे हैं, उनमें बराबर, जैसे मान लिया इसको एक लीटर पानी लिया था, इस बी वाले इधर वाले बीकर है उसमें भी आपने, मान लो मैंने दो बीकर रखे, एक का नाम रखा ए और एक का नाम रख दिया बी। इसमें मैंने क्या किया, 1 लीटर वाटर ले लिया, इसके अंदर भी मैंने कितना ले लिया, 1 लीटर वाटर ले लिया। अब इसके अंदर मैंने कितनी चीनी डाल दी, 2 ग्राम डाल दी, और इसके अंदर भी मैंने कितनी डाली, 2 ग्राम डाल दी। तो इस तरीके से जो चीनी हमने डाली हुई है दोनों बीकर के अंदर, तो वो जो बीकर हैं आपके, तो वहां पर उन बीकर के अंदर जो है सॉल्यूशन कैसा होगा? हाइपरटोनिक होगा, क्योंकि हमने दोनों के अंदर समान मात्रा में पानी लिया था, समान मात्रा में हमने शुगर की अमाउंट को लिया था। तो शुगर की अमाउंट सेम होने की वजह से दोनों ही सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? समान होगा। तो इस तरीके से ये दोनों सॉल्यूशन किस तरह कहलाएंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन को दिमाग में रखना है, ऐसे सॉल्यूशन जिनका कंफर्टेशन समान होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। तो ये थे आपके सॉल्यूशन के बारे में, आगे की जानकारी बर्न मीनिंग के बारे में जो अभी हम आपको देंगे। अब हैं कुछ बर्न मीनिंग जिन्हें आप लोगों को मुझे बताना है। तो बर्न मीनिंग में सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है परासरण, मतलब परासरण क्रिया को ही ऑस्मोसिस कहते हैं, हिंदी परासरण पढ़ते हैं। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, MEMBR यानी मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, ऐसी झिल्ली जो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, इससे होकर के मटेरियल जो है आपका आर पार हो सकता है, वो भी कैसा? सॉल्यूशन का मटेरियल अगर हो,
जैसे चीनी और पानी का घोल है। रीजन का मतलब क्षेत्र हो गया, लो का मतलब यहाँ पर कम हो गया, थ्रू का मतलब होता है सेव करके हो गया, सेमी परमियल का मतलब होता है अर्ध पारगम्य, सेमी परमियल का मतलब क्या होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। अगला आता है आपका यहाँ पर है सिमिलर, सिमिलर का मतलब होता है समान, कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रण, तो सिमिलर का मतलब होता है मतलब क्या होता है समान होता है, और आपका कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है सांद्रण होता है। तो इस तरीके से ये आपके बड़ मीनिंग हो गए। थ्रू का मतलब होता है फे होकर, मतलब किसी चीज से आर पार अगर कोई चीज हो जाती है तब वो वहां पर थ्रू लगाते हैं, थ्रू का मतलब होता है फे होकर, ठीक है। और ये तो आपके बड़ मीनिंग कंप्लीट हो गए, हम मिलते हैं अगले टॉपिक में। तो अब हम देखेंगे प्लाज्मोलाइसिस, आखिरी प्लाज्मोलाइसिस क्या है। आप लोगों ने ये तो देखा होगा कि जैसे हम किशमिश को पानी के अंदर डाल देते हैं तो सिकुड़ जाती है, तो ये आखिर सिकुड़ क्यों जाती है इस बात को हम समझेंगे। जैसे मान लो ग्रेप्स लेके आए आप मार्केट से, ग्रेप्स लेके आए, अंगूर लेके आए, और उसे ऐसे पानी में डाल दो जो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो, मतलब आपने बहुत सारा नमक उसमें मिला रखा है, तो जब इस तरह के पानी में आप सॉल्यूशन को डाल देंगे तो फिर क्या होगा, वो पानी जो जो अंदर जो आपने ग्रेप्स डाला था, तो ग्रेप्स के अंदर का जो मटेरियल है पानी है वो बाहर आ जाएगा, उसका वो मतलब सॉल्यूशन तो बाहर नहीं आएगा, उसके अंदर जो मीठा मीठा सॉल्यूशन है तो वो बाहर नहीं आएगा, लेकिन उसका पानी जो है ग्रेप्स का वो बाहर आ जाएगा। तो क्यों आ जाएगा, तो वो बात हम यहाँ पर समझते हैं। तो ये प्रोसेस जो है बाहर आने की पानी ग्रेप्स के अंदर, और फिर ग्रेप्स का सिकुड़ने की जो प्रोसेस है, अंगूर के सिकुड़ने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस को इन प्लांट सेल, मान लो कि एक प्लांट सेल है, रिगिड सेल वॉल इज प्रेजेंट ओवर द सेल मेम्ब्रेन। तो एक रिगिड सेल वॉल होती है, एक ठोस सेल वॉल, मान लो जब मैं प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ, अभी मैं उस ग्रेप्स की बात नहीं कर रहा। तो इन प्लांट सेल रिगिड सेल वॉल इज प्रेजेंट ओवर द सेल मेम्ब्रेन, तो रिगिड सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है ओवर द सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो फर्स्ट सेल व्हेन कैप्ट इन द स्ट्रॉन्ग साल्ट, जब इस तरह की सेल को स्ट्रॉन्ग साल्ट के अंदर, मतलब बहुत ही ज्यादा आपने साल्ट मिला रखा है, ऐसे पानी के अंदर रखा जाता है या सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है, किसको, आपको उसी सेल को जो कि जिसके ऊपर रिगिड सेल वॉल है। तो इलाइमिनेशन ऑफ द वाटर अकर ड्यू टू द ऑस्मोसिस, उससे क्या होता है पानी बाहर आने लगता है, इलाइमिनेशन का होता है निकलना बाहर आना, तो वहां पर क्या होता है कि इलाइमिनेशन होने लगता है किसका, वाटर का, किससे होने लगता है सेल के अंदर से। ड्यू टू दिस सेल सो श्रिंकेज, इससे क्या होता है सेल जो है श्रिंकेज दिखाती है, मतलब श्रिंकेज, श्रिंकेज का मतलब होता है सेल सिकुड़ने लगती है। और कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, और कंसंट्रेशन जो होता है सांद्रण जो होता है प्रोटोप्लाज्म का या फिर फाइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो होता है अवे फ्रॉम द सेल वॉल, तो ये दरअसल क्या होता है कि सिकुड़ने लगते हैं और सेल वॉल से दूर हटने लगते हैं। कौन हटने लगता है वहां से, साइटोप्लाज्म, और ये आपका प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही ये दोनों चीजें पाई जाती हैं, साइटोप्लाज्म ही और न्यूक्लियस, इन दोनों को मिला करके प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो दूर होने लगता है किससे, सेल वॉल से। सेल वॉल रिमेन एट द ओरिजिनल प्लेस, लेकिन सेल वॉल जो होती है वो खुद के अपने ओरिजिनल प्लेस पे रहती है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है एंड द इनर कंटेंट सो श्रिंकेज, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा के ऊपर होती है, मतलब इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होगी, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब ये आपका अंदर मैं भर दूँ, यहाँ पर प्लाज्मा है, तो इसके ऊपर जो वाली जो मेम्ब्रेन है वो आपकी क्या कहलाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वहां पर क्या दिखाती है, श्रिंकेज दिखाती है, क्या दिखाती है श्रिंकेज, श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़न दिखाती है, धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है इस तरीके से। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपकी सिकुड़ने लगती है, लेकिन जो आपकी सेल वॉल है ये आपकी है सेल वॉल, ये अपनी जगह रहती है, और सिकुड़ता कौन है प्लाज्मा, कौन सिकुड़ता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फुटने यहाँ पर लगती है, सेल वॉल अपनी जगह पर ही रहती है। तो अब आगे आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ती है और एंड द इनर कंटेंट, इनर कंटेंट उसके ये हो गए आपका न्यूक्लियस हो गया बीच में और बाकी पार्ट हो गए माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, मिटोकॉन्ड्रिया वगैरह। तो इनर कंटेंट जो होते हैं फॉर द श्रिंकेज, उसके अंदर का कंटेंट भी फुटने लगता है। तो दिस फिनोमेना नॉन एज द प्लाज्मोलाइसिस, यही घटना क्या कहलाती है, फिनोमिना का मतलब होता है घटना परिघटना। तो दिस फिनोमिना नॉन एज द प्लाज्मोलाइसिस, यही जो घटना, यही जो इवेंट है वो क्या कहलाता है आपका, प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है, मतलब सेल का सिकुड़ना, सेल के अंदर प्लाज्मा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिकुड़ना, न्यूक्लियस का सिकुड़ना और उसके कंटेंट का सिकुड़ना, वो क्या कहलाता है आपका? प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। अब आपको दिमाग में आ रहा हो ग्रेप के बारे में जो बता रहा था वो तो पूरा सिकुड़ जाता है, उसके ऊपर कोई फैल बाल तुमने देखा होगा बहुत ही, उसके ऊपर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सॉफ्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर रिगिड सेल वॉल नहीं होती जैसे प्लांट होते हैं। तो प्लांट की छाल देखी होगी आपने, तो प्लांट के ऊपर जो हार्ड कवरिंग होती, हार्ड कवरिंग जो होती है, छाल जिसे हम बोलते हैं, जिसे बार्क बोलते हैं इंग्लिश में, तो छाल जो होती है वो हार्ड कवरिंग जो है वो वहीं रहती है और अंदर वाले जो चीजें हैं वो सिकुड़ जाती हैं। इसलिए हमें प्लांट के अंदर थोड़ा बहुत जो श्रिंकेज आता है उनकी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो वो हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि सेल वाल जो है वो अपनी जगह पर बनी रहती है। तो प्लांट जो है अपनी ओरिजिनल शेप नहीं खोता। अगर मान लो सेल वाल भी सिकुड़ने लगे तो किसी तरीके का किसी कारणवश जो अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर मान लो सिकुड़ने लगी और सेल वाल सिकुड़ने लगी तो पौधा कभी मोटा होगा तो कभी पतला होगा, तो ये सब झंझट हमें देखने को मिलता, पर हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। उसकी वजह सिर्फ क्या है कि सेल वॉल अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्लाज्मोलाइसिस को डिफाइन कर लेते हैं, आखिर प्लाज्मोलाइसिस भी क्या है इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। तो दरअसल क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन मतलब होता है सिकुड़ना, कॉन्ट्रेक्शन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाना, किसी चीज का छोटा हो जाना, मतलब बड़ी सी चीज है वो सिकुड़ करके छोटी हो जाए तो ये कहलाती है कॉन्ट्रेक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉन्ट्रेक्शन। वो कॉन्फ्रंटेशन है, कॉन्फ्रंटेशन अलग चीज है, ये है कॉन्ट्रेक्शन। कॉन्ट्रेक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। तो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट का, प्रोटोप्लास्ट सॉरी, तो कॉन्ट्रेक्शन जो होता है प्रोटोप्लास्ट का ऑफ द प्लांट सेल एज अ रिजल्ट ऑफ द लॉस ऑफ वाटर। किसकी वजह से? पानी के लॉस की वजह से, वाटर के लॉस की वजह से जो आपका कॉन्ट्रेक्शन होता है प्रोटोप्लास्ट का फ्रॉम द सेल, वही आपका क्या कहलाता है? प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। तो फिर से सुनते हैं, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल एज रिजल्ट ऑफ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। क्योंकि सेल से जब पानी का लॉस होता है और प्रोटोप्लास्ट आपका सिकुड़ने लगता है, कॉन्ट्रेक्शन होने लगता है, श्रिंकेज होने लगता है। श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्ट जो शब्द है वो एक ही लगभग सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, तो मतलब एक जैसा ही मीनिंग रखते हैं। तो वो जो प्रोसेस है आपकी कहलाती है प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। अभी मैं आपको बर्ड मीनिंग बताऊंगा, तो उस बर्ड मीनिंग में मान लो कोई आपको यहाँ पर बर्ड मीनिंग परेशान कर रहे होंगे वो आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को आगे तक, पूरा देखिए। थैंक यू। हम लोग देखेंगे बर्ड मीनिंग्स के बारे में। बर्ड मीनिंग मैंने आपको बोर्ड पर लिख रखे हैं जो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो इसलिए मैंने सारे के सारे तो नहीं लिखे हैं बर्ड मीनिंग, पर कुछ बर्ड मीनिंग आप लोगों के लिए हिंट के तौर पर दे दी है। तो वो बर्ड मीनिंग क्या है? सबसे पहले है फच। फच माने होता है ऐसी, ऐसी बैफी, बैफी कह सकते हैं हम या बैसा भी कह सकते हैं, ऐसी बैफी इस प्रकार, मतलब ये फच का मीनिंग इतने सारे होते हैं। ठीक है, कोई भी जैसा कि सेंटेंस होता है उस हिसाब से हम बर्ड मीनिंग को लगा लेते हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है गाढ़ा। यहाँ स्ट्रॉन्ग का देखो मुझे मालूम है स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत भी होता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का मतलब है गाढ़ा। साल्ट सॉल्यूशन का मतलब होता है घोल, नमक का घोल, यहाँ लिख देंगे हम लोग नमक का घोल। साल्ट सॉल्यूशन का मतलब हो जाता है आपका नमक का घोल। ठीक है, अच्छा, सो माने क्या होता है? सो मतलब होता है दिखाता है, सो मीन्स होता है दिखाता है। ठीक है, अच्छा, श्रिंकेज होता है सिकुड़न, श्रिंकेज का मतलब क्या होता है? श्रिंकेज का, श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़न, मतलब सिकुड़ना। अच्छा, फिनोमिना मतलब क्या होता है? इवेंट, इवेंट का मतलब होता है घटना। फिनोमिना का मतलब होता है इवेंट, इवेंट का मतलब क्या होता है? घटना। ठीक है, आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं, इसको पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पहले बता दिया था मैंने, और इसको पढ़ते हैं ऊपर जो दिए हैं यहाँ पर, ये इसको पढ़ते हैं सेल वॉल, ये मैंने आपको बताया था। कॉन्ट्रेक्शन मतलब भी होता है सिकुड़ना, कॉन्ट्रेक्शन मतलब भी क्या होता है? सिकुड़ना। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट जो होता है प्रोटोप्लाज्म ऑफ द लिविंग प्लांट, तो लिविंग प्लांट के अंदर जो लिक्विड भरा होता है प्रोटोप्लाज्म, उसी को हम कह देते हैं प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, कंटेंट का मतलब होता है अवयव, कंटेंट का मतलब क्या होता है? अवयव। किसके अवयव? सेल के अवयव। सेल के अवयव आप लोगों को मालूम है, मैंने पहले बता चुका हूँ, फिर से थोड़ा बहुत बता देता हूँ, मिटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और NDER जिसे कहते हैं एनडी, क्या नाम है उसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सारे के सारे होते हैं। इनर मतलब होता है अंदर का, इनर का मतलब होता है अंदर का। ठीक है, मेम्ब्रेन का मतलब आपको पता ही है झिल्ली होती है, तो प्लाज्मा जो होता है आपका लिक्विड होता है एक तरीके से,
कंफ्रंटेशन आपका फांदरन होता है, ये मैं बता चुका हूं। इसका मतलब होता है सांद्रण, ऐसे भी लिख सकते हैं, जगह नहीं है, वैसे ना लगाना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, रिमेन मतलब क्या होता है? रहना। रिमेन का मतलब होता है रहना। ओरिजिनल मतलब क्या होता है? वास्तविक, वास्तविक, या ओरिजिन का मतलब असली भी होता है, ठीक है, वो आप लोग जानते हो। ओरिजिन का मतलब न्यूक्लियस आपको पता ही है। अच्छा, आगे है आपका कोई ऐसा वर्ड मीनिंग जो परेशान करे? ड्यू टू मतलब होता है के कारण, के कारण। ड्यू टू का मतलब क्या होता है? के कारण होता है, ठीक है। अच्छा, वैन तो जानते हो, जब कैप्ट मान रखा जाता है। इलाइमिनेशन, इलाइमिनेशन का मतलब होता है निकलना, निकलना, ठीक है। तो ये इस तरीके से वो वर्ड मीनिंग है जो आपको परेशान कर सकते थे। लॉस ऑफ वाटर का मतलब होता है पानी का निकलना या खराब होना, पानी का कम होना, लिख लो कम होना, तो ये लॉस ऑफ वाटर कहलाएगा, ठीक है। फ्रॉम द सेल, तो कहाँ से पानी कम होने लगता है? सेल से पानी कम होने लगता है। तो ये आपके बर्ड मीनिंग थे जो मैंने आपको बता दिए। इन बर्ड मीनिंग्स को आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए, अलग अलग लिख लीजिए और फिर उन्हें याद भी कर लीजिए, जिससे क्या है कि आपकी ये टॉपिक समझने में क्या होगी, आसानी भी होगी। थैंक यू।